अपनी मांगों को लेकर फार्मासिस्ट एसोसिएशन नर्सिंग स्टाफ ने काली पट्टी बांध किया विरोध प्रदर्शन। कहा जीओ में 25% एक्सेट्रा देने की बात, लेकिन उसमें भी कर दिया भ्रमित। बताए कहते हैं सिर्फ उनको मिलेगा जो कोविड में ड्यूटी करते हैं, वे भी जितने दिन की ड्यूटी उस हिसाब से। फिरोजाबाद फार्मासिस्ट एसोसिएशन नर्सिंग स्टाफ ने मेडिकल कॉलेज में काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सिंग संघ के जिलाध्यक्ष राम गोपाल सिंह ने बताया कि हम सब लोग कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग कोरोना में सभी जगह ड्यूटी कर रहे हैं। शासन ने जो जीओ दिया है 25% एक्सेट्रा दिया जाएगा, उसमें घुमा दिया गया कि जो लोग कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं अंदर उनको ही दिया जाएगा, उतने दिन का ही दिया जाएगा जितने दिन वो ड्यूटी कर रहे हैं। जबकि सभी वार्डो में ड्यूटी कर रहे हैं, कोई ओपीडी में ड्यूटी कर रहा है, कोई एक्सरे में, सभी लोग। मरीज जब आता है तो ये तो मालूम नहीं पाए पॉजिटिव है या नेगेटिव। हमारी मांग है कि जो जहां भी ड्यूटी कर रहे हैं हॉस्पिटल में अपनी व अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए सभी को वो 25% एक्सेट्रा हो वो दिया जाए। इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मी, चाहे सफाई कर्मचारी, चाहे स्टाफ नर्स, चाहे डॉक्टर, फार्मासिस्ट, जो उनके कर्मचारी मर गए हैं ड्यूटी करते समय, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। और जो शासन से 50 लाख की राशि व एक बच्चे को नौकरी दी जाए, उसमें विलंब क्यों किया जा रहा है, यही हमारी मुख्य मांगे हैं। इस दौरान जयवीर सिंह, जगदीश कुमार, स्टाफ नर्स कृष्णा बंसल सहित कई फार्मासिस्ट व नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद रहे। कृष्णा बंसल, स्टाफ नर्स, किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? इसीलिए किया है कि जैसे कि आज तक हम भी महामारी में जूझते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इस महामारी में पीछे हटे हैं या हमने सरकार का साथ नहीं दिया। हमने अपने बच्चे छोड़े, घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ कर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ये भी नहीं परवाह करते कि हमें आगे होना भी क्या है, लेकिन बहुत सी बहनें हमारी ऐसी हैं जो कोविड में समाप्त हो चुकी हैं, इस समय नहीं है दुनिया में भी, लेकिन आज का उसका जो भत्ता है वो क्यों नहीं दिया जा रहा, उसका तत्काल भत्ता दिया जाए, उसके घर वालों को उसका तत्काल पैसा दिया जाए, उनके बच्चों को आश्रित हैं जो उनको नौकरी दी जाए। मेरा नाम जगदीश कुमार है, मैं यहाँ डीपी फिरोजाबाद का मंत्री हूँ। किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया आपके द्वारा? यहाँ शासन ने एक आदेश पारित किया था कि जो है जो कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं या इसको कोरोना काल में ड्यूटी जो कर रहे हैं उसको, उन लोगों को 25% अलग से प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा, लेकिन उसमें फार्मासिस्ट भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, उनका तो कहीं पे भी नाम नहीं है। तो उसकी हमारी मांग ये है कि उनको भी 25% अलाउंस दिया जाए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों है? उन्होंने कहा है कि केवल जो लोग कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं सभी कर्मचारी को दिया जाए, और लेकिन उसमें फार्मासिस्टों का कहीं नाम ही नहीं है। इसके विरोध में उनकी शासनादेश की प्रतियां जलाई गई, उनका संकेत प्रतीकात्मक वो है आपका प्रदर्शन किया, हमने विरोध प्रदर्शन किया है। बस मेरा नाम राम गोपाल सिंह है, मैं यहाँ का राजकीय नर्सिंग संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। और इसलिए आप यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं? हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम सब लोग कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग कोरोना के में सभी जगह ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन शासन ने जो जीओ दिया है कि 25% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो उसने उसमें घुमा दिया। उसने क्या कर दिया कि जो लोग कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं अंदर उनको ही दिया जाएगा, उतने दिन का ही दिया जाएगा जितने दिन वो ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि सभी वार्डों में ड्यूटी कर रहे हैं, कोई ओपीडी में ड्यूटी कर रहा है, कोई एक्सरे में ड्यूटी कर रहा है, सभी लोग। हम मरीज जब आता है तो ये तो मालूम नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अतः हमारी ये मांग है कि जो जहाँ भी ड्यूटी कर रहे हैं हॉस्पिटल कर्मचारी में, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, किसी भी पद पर है, सब अपनी जान को जोखिम डालकर, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर के वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए सभी को वो 25% जो एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जा रहा है वो सबको दिया जाए। तथा जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे स्टाफ नर्स हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे फार्मासिस्ट हैं, चाहे वार्ड बॉय हैं, उन सबको जो उनके मर गए हैं, उनके कर्मचारी कोरोना की वजह से ड्यूटी करते मर गए हैं, तो उनको एक शहीद का दर्जा प्रदान किया जाए। और जो शासन से 50 लाख रुपए की जो राशि दी जा रही है उसको तुरंत दिया जाए, और एक बच्चे को नौकरी दी जाए, उसमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है, और उसके जितने भी देय हैं उनको तुरंत दिया जाए, यही हमारी मुख्य मांगें हैं।